सो हेलो फ्रेंड, आज के सेक्शन में हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट नामक चैप्टर से। तो मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट किन किन बातों पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटियां कितनी प्रकार की होती हैं, है ना। तो इन सभी यानी कि मेजरमेंट के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं, इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम लोग दो तीन लेक्चरों में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट को जानने से पहले क्या करेंगे हम लोग, जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज यानी इसको बोलते हैं भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं कि इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसी राशियां जिनको क्या किया जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जिसको प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। जैसे मैं कहूं कि जो मास होता है, मास को किसमें नापते हैं, केजी में। तो क्या हुआ, यह क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है और इसको हमने नापा किसमें, केजी में। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से माप सकें उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के बाद हम पढ़ेंगे मेजरमेंट, है ना। तो मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट जो होता है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मात्रा की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं क्या, मेजरमेंट, है ना। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उसकी एक मात्रा की आवश्यकता होगी जिसको बोलेंगे मेजरमेंट। जो मेजरमेंट होता है दो बातों पर निर्भर करता है, यानी कि दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा जो है वो यूनिट। यूनिट रहेगा तो तभी तो हम उनका मापन कर सकते हैं, और संख्यात्मक मान यानी कि हमको कुछ दिया रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, तभी तो हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। तो मापन यही कहता है कि दो बातों पे ये डिपेंड करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, देखिए आंकिक मान। तो आंकिक मान उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, यहाँ पे लिखेंगे आंकिक मान उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, सम्मिलित है। एग्जाम्पल देखिए, 2 kg चीनी। देखिए आंकिक मान क्या होता है, आंकिक मान उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, यानी कि उस राशि के मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका यूनिट कितनी बार सम्मिलित है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है 2 kg चीनी, तो 2 kg में क्या है, ये क्या है, ये एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड रहेगा तभी तो हम किसी भी चीज का मेजरमेंट करेंगे। यानी क्या है, यानी कि हमको मैं कहूं केजी, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बोलूं, कहूं कि केजी कितना केजी हमको चाहिए, मैं कहूं इतना ग्राम चीनी दीजिए, तो कितना चाहिए, तो जो कितना चाहिए यानी कि जो हम लोग वैल्यू बोलते हैं वो होता है मैग्नीट्यूड, और जो केजी बोलते हैं या ग्राम बोलते हैं वो जो होता है वो होता है यूनिट। यानी कि मेजरमेंट कैसे करेंगे, यानी कि 2 kg चीनी में 2 मैग्नीट्यूड है और केजी क्या है, यूनिट है। तो हम कह रहे हैं कि मेजरमेंट जो होता है दो चीजों पर डिपेंड करता है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, आंकिक मान
या मैग्नीट्यूड और दूसरा जो होता है यूनिट, ये दोनों चीज रहेंगे तभी हम किसी भी भौतिक राशि का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यूनिट क्या होता है, तो मैं बता दूं जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है यानी कि एन भी वो प्रोपोर्शनल होता है 1/n यूनिट के, यानी कि जो मात्रक होता है वह संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि डिफिनेशन में लिख सकते हैं यूनिट को किसी राशि की मापन के निर्देश को ही क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो ये दोनों चीजें क्लियर हुआ कि मेजरमेंट किन किन बातों पे डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल और यूनिट पे। न्यूमेरिकल जो होता है उस परिमाण को प्रदर्शित करता है, यानी यह बताता है कि उस राशि में इसके मात्रक कितने बार सम्मिलित है, यानी कि 2 किलो में क्या है, दो मैग्नीट्यूड है और 1 बार इसका मात्रक सम्मिलित हुआ है यानी कि यूनिट। जो यूनिट होता है वह संख्यात्मक वैल्यू के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि किसी राशि के मापन के निर्देश को ही हम लोग बोलते हैं मात्रक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटी, यानी कि राशियां क्या है और उनके मात्रक क्या है, राशियां कितनी प्रकार की होती हैं और उनके मात्रक कितने क्या होते हैं, तो देखते हैं। मेजरमेंट में हमारा जो थर्ड नंबर का जो टॉपिक है वो है क्वांटिटी। यानी कि क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं, तो क्वांटिटी जो होती है ना वो 3 प्रकार की होती है। एक जो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और जो सेकेंड नंबर होता है वो होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज, और थर्ड पे जो होता है वो होता है कंप्लीमेंट्री। ठीक ना, तो अब हम इस वीडियो में 3 चीजों का और अध्ययन करेंगे, क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव क्वांटिटीज एंड कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज बोले तो इसको हिंदी में कह सकते हैं मूल राशियां, है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनको मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, या और ये क्या होती हैं, अपने आप में फ्रीडम होती है, स्वतंत्र होती है। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं, वे राशियां जो पूरी तरह स्वतंत्र होती हैं तथा जिनके मापन के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। इनको बोलते हैं मूल राशियां, यानी कि वे राशियां जो पूरी तरह स्वतंत्र होती हैं तथा जिनके मापन के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती है उसको बोलते हैं मूल राशियां। मूल राशियां 7 होती हैं, इनकी जो संख्या होती है 7 होती है। कौन कौन सा देखिए, पहला जो होता है द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठवा
ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और सातवां जो होता है पदार्थ की मात्रा। अब इसकी इकाई देख ले रहे हैं, द्रव्यमान को किस में नापा जाता है, केजी में, है ना, लंबाई को मीटर में, समय को टाइम से यानी कि सेकेंड में, और ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में यानी कि सीडी, और पदार्थ की मात्रा को मोल में। तो ये सात भौतिक राशियां होती हैं, मूल राशियां, सात मूल राशियां होती हैं जो, और इनकी इकाई है केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, सीडी या और मोल, है ना। अब मैं कहूं कि मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल राशियां तो हो गई, अब देखिए मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल मात्रक तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। तो क्या है कि ये क्या है, मूल राशियां है, और ये क्या है, मूल मात्रक है। तो होगा मूल मात्रक हो गया, मूल राशियां हो गई, हो गया ना। अब हम लोग अगला जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे, वो व्युत्पन्न राशियां। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्युत्पन्न राशियां, यानी कि इसके अंतर्गत का जो सेकंड नंबर पे था वो है डिराइव्ड क्वांटिटी, क्वांटिटीज, यानी कि इसको बोलेंगे व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, तो जो व्युत्पन्न राशियां होती है ना वो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जा सकती हैं। तो इसका जो डिफिनेशन है बहुत छोटा है, कि इसको लिख सकते हैं कि वे राशियां जो मूल राशियों के की सहायता से व्यक्त की जाती है, है ना। और यहां पर लिख देंगे एक और टॉपिक है, मूल नहीं व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। देखिए क्या है एग्जाम्पल में, व्युत्पन्न राशियां क्या क्या है, आयतन, बल, है ना। तो ये क्या है, व्युत्पन्न राशियां और भी होती हैं, आयतन, आयतन का जो नापने की इकाई है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर मीटर की, बल का जो माप, बल को द्रव्यमान इंटू त्वरण यानी कि द्रव्यमान को केजी यानी कि किग्रा इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका यूनिट। तो ये होती है क्या, व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, है ना। तो अब थर्ड जो नंबर पर जो लास्ट टॉपिक है वो है
कॉम्प्लीमेंट्री राशियां यानी कि पूरक राशियां क्या क्या होती हैं? थर्ड पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज है ना, यानी कि पूरक जो राशियां होती हैं तीन प्रकार की होती हैं, पहला फंडामेंटल, दूसरा डिराइव्ड और थर्ड जो है कंप्लीमेंट्री। तो पूरक राशियां क्या होती हैं? तो हम कह सकते हैं कि वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती हैं। इनको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री राशियां है ना। तो कंप्लीमेंट्री राशियां जो होती हैं दो होती हैं, एक तलीय कोण यानी कि समतलीय कोण और एक होता है घन कोण। और कंप्लीमेंट्री यानी पूरक राशियों के मात्रक को ही क्या कहते हैं? पूरक मात्रक कहते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है समतलीय कोण का रेडियन होता है और इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। ठीक है।